हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले कम्युनिटी पोल में पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने वहां पे वोट किया था कि हमें एनिमेशन मेकिंग के ऊपर एक ट्यूटोरियल या फिर वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे एनिमेशन वीडियोस को बना सकते हो। लेकिन यहां पे इस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके बारे में बताने वाला हूं, वो पीसी के लिए है, एंड्रॉयड के लिए नहीं है। और अगर आप लोगों को एंड्रॉयड से रिलेटेड या फिर एंड्रॉयड में कार्टून वीडियोस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पे आई बटन पे आप लोगों को काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को एक न्यू वीडियो चाहिए एंड्रॉयड एनिमेशन मेकिंग के ऊपर, तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग काफी इजिली एनिमेशन मूवीज, यहाँ तक कि एनिमेशन वीडियोज और मूवीज को भी बना सकते हो काफी इजिली। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टफ जाता है, आप लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन काफी इजिली आप लोग एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो इसकी मदद से। और पीसी के लिए एक सॉफ्टवेयर है, काफी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों के पास काफी लो एंड पीसीज भी पड़े हुए हैं, तब भी जिसके अंदर 2GB RAM 1GB RAM भी है, उसके अंदर भी काफी इजीली और काफी कंफर्टेबली वर्क कर जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और इसकी मदद से काफी इजीली आप लोग बना पाओगे कार्टून वीडियोस को। और इसकी जो वीडियो बनाने की क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा क्लोज रहता है iClone 7 के टक्कर करने में, और काफी तगड़ी क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। काफी हद तक बिल्कुल सेम टू सेम iClone 7 जैसी ही क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, शेडोज वगैरह और जितने भी एनवायरमेंट्स हैं आप लोगों को डिजाइन करना है। और इतना ईजी सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप लोगों को काफी हद तक ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना रहता है एनिमेशन बनाने के लिए। और काफी अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप लोगों को कई सारे वर्जन भी मिलते हैं। आप लोगों को 26 MB का एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, सिंपली आप लोगों को इसे इंस्टॉल करना है और आगे कैसे एनिमेशन बनाना है, कैसे क्या कुछ करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में टोटली बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए यार बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च बार पे टाइप करना है मूवी स्ट्रॉन्ग। और मूवी स्ट्रॉन्ग को सर्च बार पे टाइप करने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को जो सबसे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा उस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे जो वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिंपली आप लोगों को इस इंटरफेस पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अगर आपने इस अकाउंट को क्रिएट कर लिया सेफली और काफी अच्छे तरीके से, तो इसके बाद का जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफी अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा, कोई भी आप लोगों को यहाँ पे इश्यू नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को मैं पीसी पे चल के बताता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड में 3 वर्जन मिलते हैं, आप लोगों को फिल्म मेकर वर्जन को चूज करना है। और उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज या फिर अगर आपका मैक है तो आप लोगों को उस हिसाब से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे 26 MB का आप लोगों का यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपली रन पे कर देना है, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए पूछेगा। और इसके बाद में आप लोगों का जो ये विजार्ड है ये रन होगा। इसके बाद में जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है और इसको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने देते हैं हम इसे। और सिंपली जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से इस वेबसाइट को कट कर देना है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन यानी जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो आप लोगों को वही अकाउंट जो है उसको यहाँ पे डाल देना है अच्छे से। यहाँ पे आप लोगों का जो भी सही अकाउंट है उसको आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये जो विजार्ड है इसको भी आप लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो एडिशनल फाइल्स है वो हो रहे हैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रुकना होगा, क्योंकि जो भी बेस है इसका, बेस है, फाइल्स हैं और जो भी एडिशनल फाइल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उन सभी को ये डाउनलोड करता है। तो इन रिसोर्सेस को डाउनलोड होने के बाद जो भी अगला प्रोसेस है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एडिशनल फाइल्स और रिसोर्सेस हैं उन्हें हमें सिंपली होने देना है। होने के बाद ये सिंपली क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में हमें दोबारा से मूवी स्ट्रॉम को यहाँ पे स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपली स्टार्ट का बटन मिल जाएगा और साथ ही साथ एक अपडेट का बटन
बटन भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली मैं इस विजार्ड को ओके कर देता हूँ या फिर कट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को अपडेट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, सिंपली आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है, यानी अपडेट कर देना है इस सॉफ्टवेयर को। अब यहाँ पे अपडेट भी कुछ टाइम आप लोगों का ले सकता है, 5 to 10 मिनट, तो इसको आप लोगों को होने देना है। होने के बाद फिर से एक बार और इसको स्टार्ट करना है, और इस बार स्टार्ट करने के बाद आप लोगों का मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर सिंपली रेडी होगा चलने के लिए। और इसके बाद में आप लोगों को सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का पूरा मूवी स्टॉर्म ओपन होगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को ट्यूटोरियल्स या फिर सिंपली प्रीव्यू क्लिप्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सिंपली आप लोगों को न्यू मूवी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे या फिर सेम टू सेम एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। सिंपली आप लोगों को एम्प्टी मूवी पे सेलेक्ट करके इस पर सिंपली टिक कर देना है, ओके। और इसके बाद में आप लोगों को काफ़ी सारे सेट देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी सारे सेट्स हैं, तो इनमें से आप कोई भी चाहो चूज़ कर सकते हो या फिर एम्प्टी सेट को भी चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको चूज़ करके यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद में आप लोगों के सामने आपका सेट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा क्वालिटी का आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को मैं इसका इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ, ओके। देख सकते हो इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर स्काई वगैरह जो भी यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हैं उसके टेक्स्चर्स वगैरह को आप लोगों को खुद से यहाँ पर चेंज करना होगा अगर आप लोगों को और भी अच्छा लुक लाना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कार्स, ट्रीज, होम, यहाँ पे हाउस वगैरह आप लोगों को रोड टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऊपर की तरफ आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कैमरा और टूल्स भी हैं। यहाँ पे सेव का ऑप्शन, कार्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जितने भी आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं उनको आप लोग यहाँ पर सिंपली मूव करा सकते हो। मैं कार को यहाँ पर शिफ्ट पर क्लिक करके मूव करा सकता हूँ, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इनको भी मैक्स यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ओके। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, ओके। स्केल वगैरह भी आप चाहो तो अगर कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद के काफ़ी सारे ऑप्शंस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे स्काई वगैरह को अगर चेंज करना है तो आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोगों को मिल जाता है कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे टूल्स पे, कि आप लोग अलग अलग स्काईज़ को यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को अगर आप देखो तो साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को माउंटेन टेक्स्चर्स भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग टेक्स्चर्स आप लोग ऐड कर सकते हो अपने माउंटेंस में, जैसा कि मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर माउंटेंस में अलग अलग टेक्स्चर मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, ओके। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको थोड़ा लाइट ग्रीन कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं हार्ड ग्रीन कर चुका हूँ, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे एसेट्स भी देखने को मिलते हैं, जो इसका मेन पॉइंट है कि आप लोग अपने खुद के एनवायरनमेंट को भी यहाँ पे बना सकते हो। जितने भी एसेट्स यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, काफ़ी सारे अनलॉक्ड होते हैं, काफ़ी सारे लॉक्ड होते हैं, उन सभी को आप यूज़ करके आप लोग अपना खुद का एनवायरनमेंट भी तैयार कर सकते हो, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेंच को लगा दिया। इसके बाद मैंने एक कार को भी यहाँ पे ऐड किया, कार को भी मैं मूव करके सिंपली उसका एनिमेशन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कार का भी एनिमेशन बन चुका है, लेकिन मैं इसमें डिफरेंट एनिमेशंस बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर्स पे, तो कैरेक्टर्स का आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ आइकॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने खुद के कैरेक्टर्स को यहाँ पे कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे पहले से ही दिए होते हैं, और यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम वगैरह हैं या फिर जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं वो आप लोगों को काफ़ी सारे लॉक्ड और काफ़ी सारे अनलॉक्ड भी देखने को मिलते हैं, और जिनको आप यूज़ करके अपने खुद के यहाँ पे मूवी में यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मैंने काफ़ी अलग अलग यहाँ पे चेहरे या फिर बाल वगैरह जो इसके हैं इसके अलग अलग कलर्स को या फिर पैंट और शर्ट के कलर्स को भी आप लोग खुद यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने नहीं वाला हूँ। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा और 2-3 कैरेक्टर ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपली कैरेक्टर प्लस पे क्लिक करके आप लोग और भी कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसको मैं कपड़े वगैरह भी इसके मैं चेंज कर सकता हूँ, देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे कोट वगैरह पहना दिया है, और इसको मैं यहाँ पे अच्छे से इसका लुक दे देता हूँ। उसके बाद में मैंने 2 कैरेक्टर मुझे काफ़ी होंगे एनिमेशन बनाने के लिए। फिर यहाँ पर हम डायरेक्टरी में चलते हैं, जो कि मेरा डायरेक्टर व्यू है, और यहाँ पर आप एनिमेशन मेन जो आपका एनिमेशन होगा वो यहाँ पे आप करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स मेरे पास हैं, तो इनको मैं सबसे पहले प्लेस करूँगा। प्लेस करने के लिए आप लोग को मार्क पे यहाँ पे जो पहला मेरा कैरेक्टर है उसको चूज़ करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लेस हेयर कर देना है जहाँ भी आप लोग चाहते हो। तो मैंने अपना पहला कैरेक्टर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, और जो सेकंड कैरेक्टर है मैं वहाँ पे जो सेकंड कार है मेरा वहाँ पर मैं उसको लगाऊंगा, ओके, यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो मैंने सेकंड कैरेक्टर को चूज़ करके यहाँ पर प्लेस हेयर कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे हम मेन एनिमेशन करने वाले हैं। तो जब भी आप किसी भी कैरेक्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंपली मैं सबसे पहले इसको रन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करके मूव वेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपली ये मूव हो रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट मुझे और तेज़ चाहिए, ये भागते हुए आना चाहिए थोड़ा सा, मतलब भागते हुए भी नहीं लेकिन थोड़ा अच्छे से चल के आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट क्लिक करके कस्टमाइज वर्क पे क्लिक करके यहाँ पे जो इसकी स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसा कि आप
देख सकते हो। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी छोटी हो गई है, अब आप लोग देखोगे ये थोड़ा सा दौड़ता हुआ टाइप आ रहा है, ओके, जो कि काफ़ी अच्छा सा हो चुका है। अब यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर है उसके साथ भी मैं यही करने वाला हूँ, सिंपली मैं उसके पास ले जाऊँगा इसे और इसे भी मूव वेयर करूँगा। अब ये तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, इसको मैं टोटल भगाते हुए लेकर आने वाला हूँ। तो अब आप लोग देखोगे इसका जो एनिमेशन बना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा बना है। और इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा उसकी तरफ घुमाने वाला हूँ, जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा मार्क है, तो उसमें आप लोग को राइट क्लिक करके पोस्टर पर टर्न पर जाना है और 30 डिग्री यहाँ पर लेफ्ट कर देना है, ओके। काफ़ी अलग अलग तरीके से आप लोग उसके पोस्चर को या फिर उसके पोजिशन को रोटेट कर सकते हो, ओके, जो कि आप पोस्चर में जाकर कर सकते हो टर्न में, ओके। तो सेकेंड कैरेक्टर का जो भी है, जो सेकेंड कैरेक्टर है हमारा, उसको भी मैं थोड़ा सा उसकी तरफ घुमा देने वाला हूँ टर्न करके, यहाँ पे 50 डिग्री लेफ्ट पे मैं कर दे रहा हूँ, ओके। तो उसके सामने सामने आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में हमें इनको बुलवाना है, तो सिंपली आप लोगों को से पे जाना है और यहाँ पे आप जो भी बोलना चाहो उसको टाइप करके या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ और इसके बाद में मैं टिक पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो डायलॉग है वो यहाँ पे आ चुका है और ये सिंपली बोल भी रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को सुनाने नहीं वाला, क्योंकि डायलॉग मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाया था, ओके। तो जो सेकेंड कैरेक्टर है उसको भी मैं उसी तरीके से बोल कर वहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, ओके। दो डायलॉग यहाँ पे रेडी हो गए। अब इसके बाद में इसके एक्सप्रेशन को भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रूड टाइप में इसको बनाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एंग्री कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप चाहो तो इसको भी चूज़ पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सिंपली चूज़ कर सकते हो, आप लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, मैं एंग्री पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके। और इसके बाद में बाकी का जो एनिमेशन है वो भी मैं बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके स्पीड को मैंने कस्टमाइज़ कर दिया सिंपल सा, कि यहाँ पे दौड़ता हुआ चला जाएगा। और ये दूसरा जो मार्क है वो उसकी तरफ देख भी रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और उसकी तरफ मोड़ देंगे, ओके। तो हम सिंपली पोस्चर में जाते हैं और यहाँ पर टर्न पर क्लिक करके उसको कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर राइट, ओके, 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया है, ओके। अब इसके बाद में इसका जो पोस्चर है इसको हम पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, ओके, क्योंकि अब वो वापस जा रहा होगा, ओके। तो ये रोटेट हो चुका है मार्क। अब इसके बाद में इसको हमें वहाँ पे इसको मूव करा देना, ओके। तो ये हो गया, मेरा एनिमेशन लगभग रेडी हो चुका है। इसके बाद में हमें कैमरा में जाना कि हमारा जो कैमरा होगा वो कैसा होगा, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ओके कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें स्टार्ट में जाता हूँ जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग अपने कैमरा को एडजस्ट करोगे, फर्स्ट क्लिप कैसा होगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो फर्स्ट क्लिप हमारा ऐसा होगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को दो टाइप के कट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे अलग अलग कैमरा एंगल्स पे, जैसे कि अलग अलग पर्सन है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जब ये लोग दौड़ते हुए आपस में मिलते हैं, ओके, तो इसके लिए मैं ये कैमरा एंगल चूज़ करूँगा। सिंपली यहाँ पे कट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपल सा यहाँ पे कट हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और एक होता है जूम इन और जूम आउट होते हुए कट होता है, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, ओके, जो कि एरो टाइप का। और यहाँ पर मैं यहाँ पर थर्ड एंगल में इस टाइप से लूँगा, क्योंकि ये बात कर रहा होगा रूडली। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली कट कर दे रहा हूँ, ओके, यहाँ पे कट। और देख सकते हो सिंपल सी स्क्रीन कट हो रही है, कुछ भी आप लोगों को एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अच्छे से पूरी तरीके से कर सकते हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जल्द से जल्द इस पूरे कैमरा व्यू को कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको कर दिया, जो कि लास्ट सीन है, ओके। लास्ट सीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हो हाल अलग अलग जगहों पे पूरे अच्छे तरीके से हमारा कैमरा कट हो चुका है। इसके बाद में हमें क्लिप्स को जोड़ना है यहाँ पे एडिटिंग कटिंग रूम में। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो सारे क्लिप्स ऑलरेडी अलाइंड हैं, तो हमें सिंपली ऐड ऑल क्लिप्स पे क्लिक कर देना है। और जितने भी क्लिप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट क्लिप है सेकंड क्लिप है उसी के हिसाब से ऑलरेडी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगे, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और सबको ऐड करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर जो हमारा रेंडरिंग प्रोसेस है वहाँ पर जाना है, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 720p है या फिर कस्टम क्वालिटी में आप लोग 1080p कर सकते हो। यहाँ पे मैं FPS को 60 रख रहा हूँ, क्योंकि FPS काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद में मैं अल्ट्रा पे कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्वालिटी को मैं यहाँ पे 1080p कर दे रहा हूँ। इसके बाद में जो हमारे मूवी का नाम है उसको यहाँ पे मैं सिंपली रख दे रहा हूँ, माई फर्स्ट मूवी। और यहाँ पे कहाँ पे आप लोगों को सेव करना है वहाँ पे आप ब्राउज कर लीजिए। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे टिक पे आप लोगों को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दोबारा रेजोल्यूशन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों का मूवी तैयार हो रहा है। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब आपका वीडियो रेंडर होगा और इस टाइप में आप लोगों को इस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, या फिर आप लोगों को जो शटडाउन वगैरह होता है पीसी में वो सब कुछ नहीं करना है, बल्कि रुके रहना और आपका जो भी वीडियो क्लिप होगा, वीडियो होगा, सीन होगा, सब कुछ रेंडर हो रहा होगा इस टाइम पे। काफी सारे पीसीस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि रेंडर नहीं हो पाती। सॉफ्टवेयर तो काफी अच्छे से चल जाता है, लेकिन कभी कभार वीडियो रेंडर नहीं होती। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको अच्छे से इंस्टॉल करना है और अच्छे से वीडियो को रेंडर होने देना है।
अब देख सकते हो हमारा ये जो मूवी है ये रेंडर होने ही वाला है, और सिंपली ये रेंडर हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो। अब ये रेंडर होने के बाद जो यहाँ पे जो क्लिप है, वीडियो क्लिप, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बस इतना था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी, और इसकी मदद से आप लोग काफी अच्छे अच्छे कार्टून वीडियोस या फिर एनिमेशन मूवीज भी आप लोग बना सकते हो इसकी मदद से, और काफी ज्यादा इजी हो जाता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आप लोग आईक्लोन 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरफेस होता है आईक्लोन 7 का, वो दिखने में ही काफी ज्यादा हार्ड होता है। इसके अंदर क्या चीजें कहाँ पर है वही देखने में भी काफी ज्यादा हार्ड होता है, और एनिमेशन जो भी रेंडर वगैरह होती है, और आईक्लोन 7 एक पेड सॉफ्टवेयर भी है तो उसके अंदर जितने भी एनिमेशन वगैरह आप करोगे उसमें वाटरमार्क भी आता है और काफी ज्यादा हार्ड इंटरफेस होता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल सा इजी सा इंटरफेस देखने को मिलता है। हालांकि आप लोगों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काफी अच्छे तरीके से काफी इजीली आप लोग एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं अपने चैनल पे। और अगर आप लोगों को एंड्रॉइड एनिमेशन के ऊपर एक नई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हो, और आप लोगों को ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज मैंने बनाई हुई है जो कि आप लोग आई बटन पे मिल जाएंगी, वहां पे आप जाकर देख सकते हो कैसे आप लोग अपने एंड्रॉइड या फिर अपने मोबाइल की मदद से एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हो, काफी अच्छे एनिमेशन आप लोग बना पाओगे। तो उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमेशा की तरह बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।